डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो, डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो साहब, डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो, बिस्किट आणि पाणीच्या बॉटल वगैरे। कॅमेरा कशा ते व्हिडिओ साठी बनवतो ना, व्हिडिओ व्हिडिओ बनवतो ना ते। डिस्ट्रीब्यूट करण्याची परमिशन कोणी दिली, कधी पर्यंत ची ती तारीख? तारखेच नाही म्हणजे मी डिस्ट्रीब्यूट नाही, मी आता इकडून गेलेलो। तुम्ही फिरवायचं नाही कॅमेरा रस्त्यामध्ये? ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत लाइक थोड़ी मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी हो गई थी। आई मीन ऑलमोस्ट मैं कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 11 या 12 बजे घर से निकलता हूँ, बट आज मैं सोचा था कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बस स्टॉक लोड ही कर रहा हूँ मॉर्निंग में, आज थोड़ा बिस्किट मॉर्निंग का जो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उसके लिए बिस्किट उधार है। आज बिस्किट्स के पैकेट मैंने पहले भी लेके रखे थे एंड थोड़े बिस्किट्स के पैकेट मेरे फ्रेंड ने भी दिए एक, तो बहुत ज्यादा है बिस्किट्स, अभी पूरा भर गया है। बाहर की कंडीशन तो मुझे अभी वैसे नॉर्मल लग रही है, लाइक बहुत सारे शॉप्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, बसेस वगैरह तो चल रही है पहले से, काफ़ी कार वगैरह घूम रही है रोड पे, तो इतना कुछ लॉकडाउन के जैसा फील नहीं हो रहा आजकल। अभी मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुल जाना चाहिए, मतलब ये कंडीशन देख के तो लगता है कि ऐसा खुल जाएगा शायद, बिकॉज गवर्नमेंट अगर इतना छूट दे रही है मतलब शायद केसेस कम होती होगी, आई होप सो। बिस्किट दो क्या खाने को, बिस्किट दो मम्मी को, तो मम्मी को क्या भाई। मॉर्निंग में रोड पे वैसे कोई क्राउड दिख ही नहीं रहा है मुझे, मैं सोचा कि अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दूं, बट चलते चलते मैं जू आ गया भाई। होप सो अभी कुछ क्राउड मिल जाए तो अच्छा है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वरना भैया कोई ऑप्शन नहीं है। यस क्रोमा भी ओपन हो गया है फाइनली, जू का जो क्रोमा है। अगर किसी को मोबाइल एसी वॉशिंग मशीन कुछ भी खरीदना है तो तुम लोग क्रोमा में आ सकते हो, जुहू का क्रोमा ओपन है, अंधेरी जुहू। बिस्किट दो क्या, बिस्किट बिस्किट चाहिए। फिलहाल तो मैं आया हूँ वैसे तो नोवाटर होटल पे, होटल के पास। चलो अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे तुम लोग को दिखा भी देता हूँ जू की कंडीशन कैसी है। ये ऐसा कुछ दिख रहा है नोवोटेल का जो जू बीच के साइड जो बीच है, ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है एकदम क्लियर लाइक गोवा। मतलब खाया नाश्ता वगैरह काम है ना, अंदर तो वैसे मैं जा सकता हूँ बट वैसे अंदर जाके तो कुछ मिलने नहीं वाला है, तो बेटर जाते हैं अभी आगे किधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे बिस्किट का स्टॉक बहुत है तो मैं सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक पुलिस ऑफिसर हो गए, स्ट्रीट के लोग हो गए, तुम लोग मतलब काफी लोग कमेंट भी करते हो कि तू भाई पुलिस को दे मत, क्योंकि वो लोग भी ड्यूटी पे रहते हैं, वो लोग भी काम पे रहते हैं, कभी कभी वो लोग के पास भी ऑप्शन नहीं होता, आई मीन यहाँ वहाँ जा नहीं सकते वो लोग, हर किसी की ड्यूटी का मतलब प्लेस फिक्स रहता है, तो यहाँ वहाँ हिल नहीं सकते, तो कभी उन लोग को अचानक भूख लग गई तो वो लोगों को भी कुछ खाने के लिए ऑप्शन रहना चाहिए, इसलिए मैं उनको देता हूँ। तो तुम लोग प्लीज ऐसे कमेंट मत क्या करो कि पुलिस को दे मत, वो लोग भी अपने लिए मतलब लड़ ही रहे हैं ना, अपने लिए मतलब काम कर रहे हैं वो लोग, तो उन लोगों का भी ख्याल अपन रखना चाहिए अगर अपने से पॉसिबल हो तो। तो मुझे तो लगा था कि मॉर्निंग के टाइम पे अगर मैं बाहर निकलता हूँ कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आई मीन मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट तो खाना पड़ता है यार लोगों को, मॉर्निंग में उठने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो सोचा कि आज मॉर्निंग में जल्दी उठ के थोड़ा बिस्किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वरना मैं वैसे तो नॉर्मली 12 बजे ही निकलता हूँ घर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 11 या 12 बजे, बट आज मैं 9 बजे निकल गया था घर से, बोला कि ताकि जैसे लोग उठेंगे तो कुछ एटलीस्ट मॉर्निंग में 2-3 बिस्किट के पैकेट्स तो खा लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए चाय के साथ। हर जगह पे अभी झाड़ कटिंग हो रहे एंड गटर वगैरह साफ़ हो रहे, बिकॉज अभी बारिश आने चालू होने वाला है तो झाड़ वगैरह गिरते हैं। वही लाइन है देखो, लेफ्ट साइड में लाइन देखो, अरे वो सब जो गांव जाने वाले हैं ना वो लोग, ये काफ़ी बड़ी लाइन है, नो सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल, वो भी पुलिस स्टेशन के बाहर। पता नहीं अभी पुलिस कैसे मतलब वो लोग को अलाउ कर रही है ऐसा। एक काम करता हूँ घर पे जाते जाते यहाँ पे लेफ्ट मारता हूँ, बिकॉज लेफ्ट साइड में एक चौली है
जो मतलब होमलेस लोग हैं और रोड पे मतलब घर बना के रहते हैं वो लोग, मोस्टली मैं इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने आता हूँ। बिस्किट दो क्या? बिस्किट चलो हो गया, चलो अच्छा खाओगे बिस्किट। चलो क्या धंधा पानी क्या बोल रहे हैं? हाँ चल रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। अच्छा चलो, इतने एज में काम करना मतलब यार सैल्यूट है बॉस यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने एज तक मैं काम कर पाऊंगा। विनिगोड यहाँ पे है नाकाबंदी, है नाकाबंदी यहाँ पे, तो रोज स्ट्रिक्ट रहता है नाकाबंदी, नाकाबंदी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे बॉस, यहाँ पे स्ट्रिक्ट नाकाबंदी है। भले बाहर तुम लोगों को नॉर्मल दिख रहा है बट जो नाकाबंदी ना वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है एंड चेकिंग वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। पुलिस अभी फिलहाल तो किसी को नहीं मार रही है मतलब मैं जैसे देख रहा हूँ, बट नाकाबंदी में जब पकड़ा जाएगा ना इंसान तो उसकी बैंड बहुत बुरी तरीके से बजा रहे वो लोग, गाड़ी जमा एंड फाइन अलग से लग रहा है। तो तुम लोग गलती से बाहर मत निकलो, कुछ इमरजेंसी होगा तो ही निकलो बाहर, वरना तुम लोग भी बैंड बच जाएगी। तो अभी मेरे पास आईडिया है इसलिए मैं खाना वाला डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, वरना मेरा आईडी नहीं होती तो मैं कुछ खाना वाला डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाता था। बस बिस्किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके मैं आ गया घर पे। तो मैं तुम लोगों को एक बात पहले बता दूं कि मैं बिस्किट के अलावा राशन वगैरह प्रोवाइड करता हूँ जो भी मतलब नीडी लोग हैं, आई मीन गरीब लोग हैं मेरे आसपास में। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में वो शॉर्ट थोड़े वो डाल दिया था राशन देते वक्त, बट अभी मैं राशन देता हूँ वीडियो वगैरह कुछ नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत दूर दूर से कॉल आ रहे हैं। ऑफकोर्स यार दूर दूर तक मैं अकेला हूँ, मैं दूर दूर तक हेल्प नहीं कर सकता। तो प्लीज अगर तुम लोग पास जितना एरिया है आजू बाजू में उतना मैं हेल्प कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो प्लीज दूर दूर से मैसेज मत करो एंड खुद को हर्ट मत करके लेना। अगर पॉसिबल होता तो मैं जरूर करता था बट अब उनको कोई ऑप्शन नहीं है एंड बाहर अभी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, वो तुम लोग को वीडियो में देख के पता ही चल जाएगा। बस मैं दोपहर में आके खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट करके उठा, अभी कुछ 3 बजने के बाद मैं वापस घर से निकला बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो तुम लोग देखो आगे वीडियो। ओके सो यस लोटस पेट्रोल देख लो। एनीवेज अभी कुछ बज रहे हैं, इट्स 3 PM। तो जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करते करते जो स्ट्रीट के लोग हैं वो लोगों को मैं पूछूंगा लाइक वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं लॉकडाउन में, अपनी हालत इतनी बेकार हो गई है। आई मीन मिडिल क्लास फैमिली ले लो, कितनी हालत बेकार है, खाने के वांदे हो गए, तो स्ट्रीट के लोग कैसे सर्वाइव करते रहेंगे। लेट्स सी, मैं उन लोगों से पूछूंगा, उन लोगों से बात करूंगा एंड तुम लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं लॉकडाउन में। बिस्किट दूं क्या? बिस्किट हेलो कैसा? यहाँ पे ना कार्टर्स पे जो एंड पे मतलब जो लोग है ना वहाँ पे अंदर कोई आता ही नहीं, सो वहाँ पे जो कोने कोने में रहते हैं वो लोग को कोई देखता ही नहीं, तो वहाँ पे जाके मैं डिस्ट्रीब्यूट करता ज़्यादा से ज़्यादा। अंदर अंदर जो गली गली में लोग रहते ना, सब ओपन रोड पे स्ट्रीट पे कैसा है लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अंदर अंदर जाके थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये चलते चलते हम आ गए हैं मन्नत के बाहर, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, ऑलमोस्ट सबको पता ही है वैसे मन्नत शाहरुख खान का बंगलो। ये देखो ये रहा मेरे लेफ्ट में जहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, देखो मन्नत लैंड्स एंड। यहाँ पे तुम लोग कभी आओगे ना इतना क्राउड दिखेगा, इतना क्राउड दिखेगा ना, बट अभी लॉकडाउन की वजह से कोई क्राउड ही नहीं है। वाव गार्डन चालू है, क्या बात है, थोड़ा एक नज़ारा तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं, आ जाओ। अरे ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे, मतलब देखो ना यहाँ पे ऐसा कुछ बैंड्रा का जो बैंड स्टैंड का व्यू है यहाँ पे सब मतलब लोग रहते हैं वहाँ पे लेफ्ट साइड में। एंड अगर जब भी रात में समझो कुछ भी पार्टी हो या कुछ भी हो या रात में चिल करने के लिए वहाँ पे बैठ के आराम से रॉक्स पे बैठ के चिल कर सकते हैं, थोड़ी रिस्क है मानता हूँ मैं समुंदर में, बट स्टिल इट लुक्स गुड। वही बच्चे हैं, फ्रेंड के साथ बैठो चाय पियो। ओके सो आई होप तुमने वो व्यू एंजॉय किया होगा। बिस्किट दो क्या? बिस्किट खाना वाना मिल रहा है कि नहीं इधर? तो उधर कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या? आप किधर? इधर ही रहते हो क्या? तो कैसा फिर अभी दिन कैसे काट रहे फिर लॉकडाउन में? गाड़ी आती थी हाँ। ऐसा आती थी, डब्बा लेके जाती। अच्छा
अच्छा एक बाइक आती थी यहाँ पे रुकती थी, हाँ हाँ, हम लोग खाना देखी जाती थी, अब वो भी नहीं आती थी, वो उधर से निकल जाती, हमको मिलता ही नहीं खाना, फिर हम लोग काटा रोड से लेके आते। अच्छा ठीक है चलेगा, चलो और एक रख दो, अभी आप आए अभी मिल रहा है। अच्छा 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 थैंक यू, चलो चलो। सर ऐसी है लोगों की हालत, लोगों को मतलब दूसरे के भरोसे बैठना पड़ रहा है, ऐसा सीन है भाई बाहर। एंड यहाँ पे नारियल निकाल रहे हैं, ये देखो ऊपर देखो नारियल फेंक रहे हैं ऊपर से। चलो मैं भागता हूँ भाई मैं तो मेरे मजे पे आएगा हम लोग जाएंगे बांद्रा चर्च के पास। ओ माय गॉश, तो बिस्किट खाओगे? बिस्किट इधर बैठ रहे हो, इधर कोई आता है खाना वाना किधर खाते हो? देता है खा? मतलब कुछ तकलीफ तो नहीं है लॉकडाउन में? मिल रहा है पहले ऐसा मिल रहा है? चलो। ओह इट लुक सो ब्यूटीफुल, कितना मस्त लग रहा है चर्च। माउंट मैरी प्रे करते दो मिनट खड़े रह के अपन, जल्दी जल्दी कोरोना वायरस गायब हो जाए। बढ़ते बढ़ते वैसे मेरा एक बॉक्स कभी खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो कुछ 4-4.5 के आसपास मेरा बिस्किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके हो गया, मैं पार्ला सेंटा क्रूज एंड बांद्रा ये तीन एरिया में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो घर पे आते वक्त मैंने देखा तो मुझे वहाँ पे नाकाबंदी में पकड़ लिया। तो तुम लोग देखो आइए हमारे साथ क्या हुआ यहाँ पे नाकाबंदी में, सबको पकड़ रहे भाई सबको। यहाँ पे देखो सिर्फ नाका डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हे डिस्ट्रीब्यूट कर दो साहब, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो बिस्किट आणि पाणीचा बॉटल वगैरे। कॅमेराची काय गरज आहे? कॅमेरा कशा? व्हिडिओ बनवतो ना ते। डिस्ट्रीब्यूट करण्याची परमिशन कोणी दिली? कधीपर्यंतची आहे ती तारीख? तारखेच नाही म्हणजे मी डिस्ट्रीब्यूट नाही, मी आता इकडून गेलेलो। फिरवायचं नाही कॅमेरा रस्त्यामध्ये, रेकॉर्डिंग करायला परमिशन घेतली का? नाही घेतली ना तुम्ही? साईडला घ्या गाडी, साईडला घ्या। जैसे की तुम लोगों ने देख लिया की पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया की तेरे पास शूट करने का परमिशन है क्या? मेरे साथ पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ है, लाइक मैं ऑलमोस्ट मोटर व्लॉग भी करता हूँ, कभी बाहर कैमरा लेके मैं जाता हूँ, तो बट मेरे साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड लॉकडाउन में ऑलमोस्ट मैं 60 डेज से खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस 10-15 तुम लोग वीडियो देख ही सकते हो, तुम लोगों को वहां पे पता चल जाएगा। बट पता नहीं है, शायद पुलिस ऑफिसर्स गुस्से में रहेंगे एंड प्रेशर में रहेंगे, इसीलिए मुझे चिल्लाए रहेंगे उन्होंने। तो एनीवेज मैं तो बुरा माना नहीं, बिकॉज उनका काम है, उनकी ड्यूटी है कि चेक करना एंड स्ट्रिक्टली एक्शन लेना इस लॉकडाउन में, बिकॉज लोग लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं एंड मिसयूज कर रहे हैं। तो देखो आगे क्या हुआ। नाही मी रोज सर्वांना पोलिसांना पण मी डिस्ट्रीब्यूट करतो पाणी वगैरे, पाणी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरे सगळं। नंबर प्लेट नाही आहे ना? नंबर प्लेट कॅमेरे काय नाही। तो जैसे की तुम लोग ये देख लिया, लाइक मुझे पकड़ा उन्होंने, बोला की तू साइड में लगा चेकिंग करने थे। एनीवेज कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं था, अपने पास सब प्रूफ था तो कोई टेंशन नहीं था। तो उन्होंने मेरे आईडी वगैरह चेक किया, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरा परमिशन था तो कोई इशू नहीं था। बट वो एक चीज पे भड़क गए कि मेरे गाड़ी का जो आगे का नंबर प्लेट है वो नंबर प्लेट था, जैसे कि उन्होंने बताया कि नंबर प्लेट नहीं है बट नंबर प्लेट था, बट उसके अंदर एक नंबर है, वो नंबर फेड हो गया था। तो इसलिए वो भड़क गए कि क्योंकि सीन ऐसा है कि अभी तो सीन ऐसा है कि उन लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, स्ट्रिक्ट चेकिंग करना भी जरूरी है, बिकॉज आजकल बहुत सारी बाइक्स वगैरह चोरी हो रही है लॉकडाउन में। मेरा एक फ्रेंड भी, उसकी भी एक्सेस बाइक चोरी हुई, उसके बिल्डिंग के नीचे उसने पार्क की थी एंड रात को 3 बजे पूरा क्लियरली फुटेज दिख रहा है। चाहे तो मैं तुम लोग को फुटेज है ना ये वीडियो में तुम लोग देखो। आता तो बाहर तो बाहर तो हैंडल हो रहा आज 35 सौ है चला तो बसला बस में है क्या तो बसला आता ये झाड़ू वाला इकड़े देख रहे अभी तू देख रहा है उसको देख वो देख वो देख वो देख अभी तू देखते रहते डायरेक्ट घेतली अरे गाड़ी चालू किया
चालू धक्का मार के लेके जा लेके आवर के टर्न मार के लेके वो देख चल के जा करके लेके छप्पा वाला नहीं एक्सेस थी उसने ऑलमोस्ट 2 महीने पहले दी थी लॉकडाउन के पहले इसलिए मतलब वो लोग स्ट्रिक्टली चेकिंग कर रहे बिकॉज बाइक वगैरह चोरी करके यहाँ वहाँ चोर लोग यहाँ वहाँ लेके जाते हैं तो उसके लिए उनको चेकिंग करना जरूरी तो वही चेकिंग वगैरह हो गया नंबर प्लेट ना बस पूरे है मैं तो मैं रखूंगा टू नाइन तू कुठे आहे दाखव तू दिसतो का मला दाखव काय बोलता कुठे आहे तू दाखव ये ना दाखव तुला वाटत ना दिसतो थोडा फेड झालाय ये गाडी पे नंबर क्या जरा बताव मेरे को थोडा फेड झाला साहेब आता काय करणार त्याला मी काय करणार जे आहे तेच तुला सांगतोय ना ते नाही योग्य म्हणून तुला आता लॉकडाऊन मध्ये काय ऑप्शन पण आहे ना साहेब तुझी कुठे आहे ती दाखवतोय मी आता फेड झालाय तर लॉकडाऊन मध्ये काय करू त्याला नाही कर नाही तर शाईन लिही ते आम्ही सांगायला पाहिजे तुला ठीक आहे लिहितो आम्ही तुझं काय माहित तुझी गाडी आहे तुझ्या गाडीचं आम्ही काय करणार ओके सो एनिवेज पोलिसाला कितना गाडी पकडा होता शिट हिसाब के बाहर गाड़ी पकड़ा था डायरेक्ट मतलब जो भी गाड़ी पकड़ रहे डायरेक्ट फाइन मार रहे बस यही था आज का वीडियो तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो व्हाट्स एवर रीजन तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो एंड तुम लोग अगर काम आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हो तुम लोग एनीवे तुम लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय।